लगता है। कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ाना उत्तम नहीं है, दही चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, शिव जी को ये चढ़ा दिया, वो बहकर नाली में जा रहा है, वो बहकर गटर में जा रहा है, वो बहकर उधर जा रहा है। अरे उनको कितना समझाओ कि वो बहकर अगर बाहर जा रहा है तो मेरे शंकर जी का एक नाम है पशुपति नाथ, अगर उसके ऊपर चढ़ा हुआ केवल मनुष्य मनुष्य खाता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दही केवल मनुष्य पीता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दूध केवल मनुष्य पीता, तो वो मनुष्य का नाथ होता, फिर उसका नाम पशुपति नाथ क्यों हुआ? क्योंकि जो चढ़ा हुआ बाहर जाता है उसको कोई जीव, कोई जानवर, कोई कुत्ता भी खा लेता है, तो पशुओं का नाथ वो साधारण नहीं है महाराज, उसका नाम पशुपति नाथ है, वो पशुओं के लिए भी बहुत कुछ देता। एक जरा सा उसने डमरू बजाया और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया और खुद उसका नाथ बनकर बैठ जाता है वो पशुपति नाथ, साधारण नहीं हो सकता वो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटू दया करी नजर शरण आपो। वो साधारण नहीं है, उसका नाम